नहीं, कंट्रोवर्सी करके पैसा कमाना कोई सीवीएस भाई से सीखे। भाई साहब मतलब क्या स्टैंडर्ड लेवल का दिमाग लगाते हैं। आज से कुछ दिन पहले कहते हैं कि जितना भी चोर चुहार पिटौर जो होता है ना वो बिहारी होता है, उनकी लाइनें सुनो। मैं बोला गया हमसे कि बिहार में चोर चुहारी वाला काम करते हैं और बाहर जाके हमारा बिहार बदनाम होता है उससे। और कंट्रोवर्सी में तो माहिर है, मस्त क्या करते हैं, माइक में माफी मांग लेते हैं अपने गाने का प्रमोशन करके कि मेरा एक गाना आ रहा है, फलना आ रहा है, चिल्ला आ रहा है और हम बिहारी को चोर चुहार कर दिए, इसके लिए माफ कर दो। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? इतना ही नहीं दोस्त, मनीष कश्यप पे भाई अपना गाना गाता है और कहता है हम गाना गाए थे मनीष कश्यप पे गाना, और हुआ ये कि लोग हमको फोन करके गाली देने लगे और उस पे कंट्रोवर्सी फिर करता है और वहां से खूब ज्यादा व्यू छापता है ना। मैंने इतना लोग गावा था उनका फोन नहीं किया हुआ, तू भाई बड़े को गीत गावे वाला जगह के फोन आवा तब पता ना के करा था इनका मनीष कश्यप पे, तू काहे गाना गा, इतना फुर्सत आपको लगता है? मनीष कश्यप के लिए गाना गाए हम, उस गाना में हमको इतना फोन करके लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, आप बताइए हम गाना गाना छोड़ दें क्या? इतना ही नहीं दोस्त, मनीषा माही को तो आप जानते होंगे, इतना तो आप जरूर जानते होंगे उस दोनों बहन के बारे में कि आज तक उस बेचारी का एक कंट्रोवर्सी नहीं हुआ था जीवन में, लेकिन उसके जीवन का पहला और आखिरी कंट्रोवर्सी जो होता है ये सुरेश मिश्रा के साथ ही होता है, और उस समय भी सुरेश मिश्रा उस दोनों बहन के इज्जत को तार तार कर देता है, कहता पैसा ले ली तो नहीं आई तो घमंडी है तो नचनिया है, मतलब जिस तरीके से अक्षरा सिंह के बारे में कह रहा है ना भी, उस तरीके से मनीषा माही का भी इज्जत तार तार कर देता है। लेकिन यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाओ और समझने की कोशिश करो, अगर उस वक्त मनीषा माही गलत होती तो उसका तो आदत होता तो आगे भी मनीषा माही का विवाद होता, लेकिन गलत कौन था? सुरेश मिश्रा, इसलिए मनीषा माही का विवाद नहीं हुआ, फिर सेम विवाद अक्षरा सिंह का सुरेश मिश्रा के साथ हुआ, और सबसे बड़ा नीच यही है। बात तो सही है भाई साहब के, उच्च विचार सुनो, जिसका बात एक नहीं होता है उसका बोप एक नहीं होता है। खैर सुरेश मिश्रा जी ये बताइए कि आप अपने बहनिया से जब जाइएगा ब्याह करने तो आपके बॉप कुछ कहेंगे? नहीं नहीं, हम आपको बता रहे हैं, आज से कुछ दिन पहले वो उसी बहन से ब्याह करने के बारे में गाना बना रहा था जिस बहन को आज बहन कहने में इसको सर मारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पहले क्या करता है, अक्षरा सिंह से शादी करने के लिए उन पे गाना बनाता है, उसके बाद जानते हैं दोस्तों ये क्या करता है, अक्षरा सिंह को सिंपैथी लेने के लिए बहन बना लेता है, और जब उस दोनों से काम चल जाता है तो फिर अक्षरा सिंह से पैसा ऐठना होता है तो कहता है हमको इससे बहन कहने में भी शर्म आ रहा है। अब सब कुछ खत्म हो गया है दोस्तों, अक्षरा सिंह से शादी करने की इसकी कितनी औकात है आपको ही पता है, बहन अब बना भी लिया ये, उसके बाद पैसा लेने वाला भी बात खत्म हो गया, अब अक्षरा सिंह इसके लिए ट्रेंडिंग टॉपिक है, वीडियो बनाओ और खूब ज्यादा पैसा कमाओ, और ये कैसे पैसा कमाया है वो हम आपको दिखाते हैं आप लोगों को मूर्ख बना के। सबसे पहले ये कहता है अक्षरा सिंह पवन सिंह के गाने के वजह से भागी और उसका वीडियो क्लिप मौजूद है, उसके बाद वहां से खूब जब पैसा कमा लेता है उसके बाद कहता है कि अक्षरा सिंह माइक फेंक दी तो मेरे मौसी के बेटा का गोर फूल गया, 10,000 का माइक था सोना का, उसे मार दी गोर पे तो गोर फूल गया। अब अगर सही में गोर उसका फूटा रहता इसके मौसी के बेटा का तो हम आपको लिख के दे देते हैं, ये इतना नीच है कि कम से कम 1,000 फोटो डाला रहता कि मेरे भाई का गोर टूट गया, मेरा भाई का गोर फूल गया, और कम से कम 2,000 हॉस्पिटल में घुमा रहता, कहता 5,00,000 रुपया इलाज में लग गया है उस सोना का 10,000 का माइक फेंकने से। दोस्तों ये इतना बड़ा पलटू, इतना बड़ा बेवकूफ है जिसका बेवकूफी की पराकाष्ठा पार कर चुका है, और वो कितना बड़ा बेवकूफ है वो हम आपको बताते हैं, और उतना बड़ा बेवकूफ आपको भी समझता है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, ये पहले कहता है अपने ही चैनल पे कि पवन सिंह के गाने की वजह से भागी, फिर इस बेवकूफ ने अपने ही चैनल पे वीडियो डाल के आप लोगों को मूर्ख बनाते हुए कहता है कि नहीं अक्षरा सिंह अपने गाने पे डांस कर रही थी और पैसा लुटाया गया तो भाग गए। मतलब या तो ये चूतिया है या फिर ये आप लोग को चूतिया समझ रहा है, मतलब सिंपल सा बात तो यही है ना। इन सब कचड़ा वाले चीजों को फैला के सुरेश मिश्रा अपने स्तर को इतना नीचे गिरा लिया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी लोग इतना बात तो जरूर समझ गए हैं कि इस नीच इंसान के साथ तो कभी भी किसी को स्टेज शेयर नहीं करना है। और भैया जी कोई बहुत बड़ा मूर्ख होगा जो इसके कहने पे कहीं पे आएगा 50 रुपया लेके भी या फिर फ्री में भी, अगर आना होगा
तो सुपरस्टार अपने मर्जी से चला जाएगा, इसके कहने पे नहीं जाएगा। इतना ये छवि तो भाई साहब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अक्षरा सिंह के साथ विवाद करके जरूर बना लिए हैं। खैर इस पे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।